उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। आगरा हाईवे पर कुंदरकी थाना इलाके में नानपुर की पुलिया के पास शनिवार सुबह टैंकर और बस की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इन दोनों वाहनों के बाद तीसरा वाहन भी इनमें आकर टकरा गया। ओवरटेक करने पर यह हादसा हुआ। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद 10 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी ने सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ घायलों का सुनिश्चित इलाज कराने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने दुर्घटना में घायलों को 50,000 रुपए प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुरादाबाद के डीएम तथा एसएसपी के साथ ही सीएमओ को लगातार मौके पर रहने का भी निर्देश दिया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,052 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना वायरस मामलों की संख्या हो गई है 1,07,46,183। इसी दौरान कोविड-19 से 127 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 1,68,784। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। देश में पिछले 24 दिनों से कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं। दैनिक मामलों की संख्या 20,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही मरने वालों की संख्या भी पिछले 34 दिनों में 300 से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक अब तक देश में 1,04,23,125 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1,68,784 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। रिकवरी रेट 96.99% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% है। कुल दैनिक मामलों के 82% अब केवल 6 राज्यों से सामने आ रहे हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में इसराइल दूतावास के पास शुक्रवार शाम को धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 2 लोगों को कार से बाहर निकलकर दूतावास की ओर आगे बढ़ते देखा जा रहा है। इसराइल से जांचकर्ताओं की एक टीम शनिवार दिल्ली पहुंच सकती है, जिनके द्वारा इस ब्लास्ट के संदर्भ में भारतीय एजेंसियों की सहायता की जाएगी। इस घटना में दिल्ली के लुटियंस हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिस गाड़ी से इन 2 लोगों को दूतावास के पास छोड़ा गया था, उसके चालक का पता लगा लिया गया है और इन 2 संदिग्धों के स्केच बनाए जा रहे हैं। ब्लास्ट में इनकी संलिप्तता को सुनिश्चित करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। मौके से एक खत भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि यह धमाका बस एक ट्रेलर है। सूत्रों ने बताया कि खत में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे का उल्लेख शहीद के रूप में किया गया है। बीते साल इन दोनों की ही हत्या कर दी गई है। शुक्रवार को यह धमाका विजय चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सरकार के अन्य वरिष्ठ सदस्य बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए इकट्ठा हुए थे। बहरहाल राजधानी में एयरपोर्ट सहित और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आप सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखने के शौकीन हैं और कोरोना गाइडलाइन के चलते थिएटर में जाकर फिल्में नहीं देख पा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से देश भर में सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस भी सामने आई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को बताया कि 1 फरवरी से देश के सिनेमा हॉल्स को पूरी कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस दौरान सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। एक अच्छी खबर है कि फरवरी में
सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं उतने लोग सिनेमा का आनंद ले सकता है। 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। दो शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन वहाँ के स्टॉल से खरीद करके ग्राहक थिएटर में खाने की चीज़ें ले जा सकता है। तो ये वैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन जब सिचुएशन अबनॉर्मल हो गई कोविड के कारण, तो सारे बंधन आते गए। ये बंधन अब खत्म होने के कगार पर है और इसलिए ये सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी से चलना, ये सिनेमा देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है और लोग इसका निश्चित स्वागत करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आज इसके बारे में का नोटिफिकेशन अभी तुरंत वेबसाइट पर अपलोड होगा। गृह मंत्रालय ने 27 तारीख को इसको मंजूरी दी थी, आज हमने उसके डिटेल प्रोटोकॉल बना के वो किया है। कोरोना के चलते साल 2020 में सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था। इसके कुछ वक्त बाद सिनेमा घरों को 50% की क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर सरकार ने 100% कर दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करना सभी सिनेमा हॉल्स को जरूरी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभागार आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सिनेमा घरों में एंट्री करते वक्त लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। थिएटर के कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सैनिटाइजर रखा होना भी बेहद जरूरी है। थूकना सख्त वर्जित होगा। सिनेमा घरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ता है पता ही नहीं चलता। अभी तो जनवरी का महीना शुरू हुआ था, 2021 शुरू हुआ था और पूरा महीना बीत गया, वक्त का पता ही नहीं चला। पीएम ने ये भी कहा कि इन सब के बीच एक और कार्य शुरू हुआ जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है और वो पद्म पुरस्कारों की घोषणा है। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। आज 2021 की जनवरी का आखिरी दिन है। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले तो 2021 शुरू हुआ था? लगता ही नहीं कि जनवरी का पूरा महीना बीत गया है। समय की गति इसी को तो कहते हैं। कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती है जब हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। फिर हमने लोहड़ी मनाई, मकर संक्रांति मनाई, पोंगल, बिहू मनाया, देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है, ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा।
राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को, उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्डवर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली की हिंसा का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी ने कहा कि सबके बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है, उसी तरह से हमारी वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी दुनिया के लिए मिसाल बन रही है। क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्डवर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब एक साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में ये हमारे उन महानायकों से जुड़ी उन सारे जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.